शुभम, आपका अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल की और आपने जो है एक अच्छी रैंक जो है सिविल सर्विसेज में हासिल की। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा आपको लग रहा है इस समय ये सिलेक्शन होने के बाद? थैंक यू सर। काफ़ी खुशी हुई थी। एक्चुअली मैं घर पे ही था, तो घर पे घर वालों के साथ बैठ करके मैंने रिजल्ट चेक किया था। एंड जब वो नाम आया शुभम कुमार वो होली पीडीएफ में, तो बहुत खुशी हुई। मेरे घर वाले उछल गए थे एंड काफ़ी काफ़ी खुशी हुई थी। बहुत अच्छी बात है। तो ये खुशी एक्चुअली मुझे याद दिलाती है कि जब मैंने अब से करीब जो है 30 साल पहले 1989 में जब मैंने दिया था, तो मेरी भी जब सिलेक्शन हुआ था तो बिल्कुल मुझे याद है कि कैसे मैंने फोन करके अपने पेरेंट्स को बताया था। तो मैं इस बात को महसूस भी कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसमें सिलेक्शन के लिए। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे जो है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मतलब, और आपका मैंने बैकग्राउंड देखा तो आप कटिहार से आते हैं बिहार में, और उसके बाद में फिर आपने आईआईटी में पढ़ाई की, आईआईटी बॉम्बे में गए, आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपने जो है अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की। तो किस समय आपको ऐसा लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से आपने तैयारी की, कुछ अपनी जर्नी के बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के हवा में ही ऐसा होता है कि सब लोग बोलते हैं कि हाँ आईएएस करना है एक दिन। तो वो बचपन से ही वो सपना था कि हाँ एक दिन तैयारी करनी है। बट एक बार जब मैं आईआईटी में गया तो वहाँ पे जाके मैंने एक्सप्लोर किया सारे ऑप्शंस। मैंने कंपनी में काम किया, मैंने रिसर्च भी किया, और जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पे मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में बैठना है और इसे क्रैक करना है। क्योंकि वहाँ पे जाके फिर देखा कि कितना डेवलपमेंट गैप्स हैं और कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिया के डेवलपमेंट और सोसाइटी के लिए। तो फिर वहाँ से वो मोटिवेशन कंटिन्यू रहा और फाइनल सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड शुरुआत में अनअकैडमी के वीडियोज़ वगैरह भी देखे एंड फिर दिल्ली आकर के तैयारी मैंने स्टार्ट की। और एक फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2018 में ही दे दिया था, बट वहाँ पे तैयारी नहीं थी अच्छी। फिर एक साल के तैयारी के बाद मैंने 2019 में सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो आपने जैसे कि जब ये डिसाइड किया कि आपने एक कैरियर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आईटी से लोग पास करते हैं तो सबसे पहले उनका जॉब दिमाग में रहता है कि भाई मुझे कोई भी जॉब करनी है और कोई कॉर्पोरेट में जाना है, तो क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि आप कभी कॉर्पोरेट में जाएंगे या कभी कॉर्पोरेट आपने ज्वाइन करने की बात नहीं सोची? डेफिनेटली सर आया था दिमाग में। एंड मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप भी इसलिए कंपनी में किया था कि मैं इस जान पाऊँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा काम होता है। बट फिर मैं सोचा कि 2 साल मैं नौकरी करूँगा फिर करूँगा। इसमें मेरे भैया और मेरे पापा ने समझाया कि एक्चुअली अगर करना ही है तो स्टार्ट ही करो, जल्दी ही करो, एंड वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी अगर साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो एंड फिर पढ़ाई करना हो। तो बाकी सारे सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर करना है तो यही करना है, क्योंकि बाद में ऐसा रिग्रेट ना फील हो कि शायद कर सकते थे। इसलिए कॉलेज के जस्ट खत्म होते ही मैंने स्टार्ट की थी। हाँ, खैर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बार कॉरपोरेट ज्वाइन करते हैं और कुछ सालों तक वहां पे काम करने के बाद में ये महसूस करते हैं कि नहीं, उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, और इस प्रोसेस में कई बार बहुत सारा समय भी उनका उसमें लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपके फायदे में रहा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी ही आपने इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया और मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट भी काफी जल्दी आ गया। देखा जाए तो काफी जल्दी आपको इसमें रिजल्ट आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जब आपने डिसाइड किया तो सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट था, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल लिया या आपने कोई और ऑप्शनल सेलेक्ट किया, और क्यों सेलेक्ट किया आपने कोई दूसरा ऑप्शनल? अगर आपने सेलेक्ट किया तो क्या बेसिस था आपका ऑप्शनल सेलेक्ट करने? एक्चुअली स्टार्ट में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो ऐसा दिमाग में आया कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग भी रख सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस अपने मेरे कॉलेज से टॉपर्स लोग थे उनसे बात की, सीनियर से बात की, और सारे ऑप्शनल को मैंने देखा कि क्या मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा सुना था कि हाँ थोड़ा इंजीनियरिंग ऑप्शनल थोड़ा टफ होता है, तो अपना स्ट्रेंथ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि हाँ मैंने परफॉर्म किया, बट
सिविल सर्विसेज में थोड़ा टफ होगा। तो उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि हाँ क्या लेना है, कितने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखे, कितने टाइम, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, तो कितने आवर्स लगेंगे या कितने मंथ्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। फिर ये कंक्लूजन पे आया कि एंथ्रोपोलॉजी में, बायो में इंटरेस्ट था, बचपन से भी बायो में इंटरेस्ट था, तो फिर सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी लेना सही रहेगा। तो आपको मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली एंथ्रोपोलॉजी लेने की, किसी ने आपको बताया या किस बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया इसको? मैंने एक वीडियो देखा था रोमन सैनी सर का अन अकेडमी पे कि हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल, तो उन्होंने बोला था कि ओपन माइंड से करना है, सारे ऑप्शनल को एक बार देखना है एंड एलिमिनेट करना है। तो मैंने एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। अच्छा, और फिर लास्ट में ऐसे 3-4 ऑप्शन बचे थे जिसको मैं कंसिडर कर रहा था, तो उसके डिटेल्स पढ़ा कि सिलेबस क्या है, और टॉपर्स के वीडियोस देखे, उनका अप्रोच देखा, फिर देखा कि किसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैं ला सकता हूँ और जो मेरे इंटरेस्ट के अनुकूल भी हो। तो वहाँ पे फिर फाइनली डिसाइड किया, और फिर लोगों से बातचीत की जैसे मैंने बताया, और फिर फाइनल किया कि हाँ इस मतलब ये पूरे प्रोसेस में मुझे लगभग 1 महीने लग गए थे कि अच्छा। हाँ, ये 2018 के अटेम्प्ट के बाद मैंने फाइनली जून 2018 में डिसाइड किया था कि एंड में की एंथ्रोपोलॉजी लेना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कब से जो है अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और किस तरीके से शुरू किया आपने तैयारी, मतलब कितने समय से पहले साथ में शुरू किया और शुरू में पहले आपने क्या किया फिर बाद में क्या किया? स्टार्ट में 2018 के स्टार्ट से मैं फाइनल सेमेस्टर में था, तो तभी से स्टार्ट किया था तैयारी। तो मतलब ये था कि पहले बेसिक बुक्स खत्म करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि शुरुआत में टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलते थे, तो वो 2 महीने में वो हैबिट डेवलप हुआ कि विद इन एन आवर आप पढ़ पाए। एंड फिर बेसिक बुक्स एक बार ख़त्म हुए तो फिर वैल्यू एडिशन पे आया कि हाँ कैसे वैल्यू एडिशन करना है, और चूँकि मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के वीडियोज़ में रेगुलरली देखता था, तो फिर ये समझ में आया कि टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आंसर राइटिंग भी। तो शुरुआत से ही मैंने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद से ही, एंड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हेल्पफुल रहा कि ये मैं स्टार्ट से ही करना शुरू किया। एंड ऑप्शनल का फिर किया मैं, 6 महीने लग गए ऑप्शनल करने में क्योंकि काफ़ी डेप्थ में करना होता है। एंड ऑप्शनल एक बार ख़त्म हुआ तो फिर जीएस और ऑप्शनल को फिर मिक्स करके पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने स्पेसिफिकली क्या तैयारी की, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की आपने? स्टार्ट में मैंने कॉमन तैयारी रखा, और ये माइंड में रहता था कि मेंस इम्पॉर्टेंट है, तो उस वजह से फोकस मेंस पे रहा। बट प्री के लिए मैंने मिड फरवरी 2019 से डेडिकेटली प्री के लिए तैयारी किया। तो वहाँ पे फोकस हुआ कि फर्स्ट मैं सारे रिवीजन स्ट्रेटजी बनाया कि 3 फेज में रिवीजन करना है, एंड फिर बेसिक बुक्स के रिवीजन किया, फिर जो मुझे लगता है कि जो मुझे अलग किया प्री में, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी स्टार्ट में, तो मैंने ये किया कि मैंने एक शेड्यूल बना लिया टेस्ट देने का, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी हो या ना हो उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देते गया, और फिर अकॉर्डिंगली उसे रिवाइज भी करता था जहाँ पे मैं परफॉर्म अच्छे से नहीं करता था। एंड प्री के लिए एक और चीज़ मैंने जो किया कि अलग से जैसे वेबसाइट पे जाना हो, जैसे UNFCCC के वेबसाइट पे जाना हो, या ईयर एंड रिव्यू देखना हो मिनिस्ट्रीज के, इन्वायरमेंट के लिए गूगल करना हो, मैप्स वगैरह रेफर किया, तो ये सारे मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस था, और वो धीरे धीरे इवॉल्व करके फिर धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव हुआ, फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ चलो ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अच्छा, मेंस में और प्रीलिम्स की जो तैयारी हुई आपकी, उसमें आपने क्या फर्क किया कि मतलब मेंस में क्या चीज आपने अलग से किया, या आपको ऐसा लगता है कि मेंस की तैयारी में क्या अप्रोच आपका डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है सिलेक्शन तो आपका मेंस के बेसिस पे होता है, प्रीलिम्स तो एक तरीके से क्वालिफाइंग राउंड होता है, तो मेंस की परफॉर्मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही?
तो मेंस के लिए ऐसे ध्यान दिया कि मुझे प्री के जस्ट बाद मेंस का ऐसा नया जैसा ना लगे कि आंसर राइटिंग करना पड़ रहा है। तो दिसंबर एंड जनवरी में मैंने ऑप्शनल तैयार ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज लिखे और जीएस के भी 3-4 से टेस्ट सीरीज लिख के देखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो एक बार मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लिख सकता हूँ 150 एंड 250 एंड 250 वर्ड्स में लिख सकता हूँ। तो एक बार वो कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने प्री की तैयारी स्टार्ट की और जैसे ही प्री खत्म हुआ मैंने ब्रेक नहीं लिया, एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया क्योंकि तो कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा। तो 3 जून से ही मैंने तैयारी स्टार्ट की एंड एक शेड्यूल बनाया जैसे मैंने बताया। एंड मेंस में ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पॉइंट्स हो आंसर में लिखने के लिए। तो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए हर एक पेपर के लिए। एंड जैसे वैल्यू एडिशन फिर इम्पोर्टेंट होता है तो कमिटीज के ऐसे 4 पेज में लिख लिया, जजमेंट्स के लिख लिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लिए, ग्राफ्स वगैरह उठा लिए। तो ऐसे करके और जो रिपोर्ट्स हैं नीति आयोग के या इकोनॉमिक सर्वे के तो वो सब करके एक क्रिस्प नोट्स बनाते गया। मतलब वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके जो 3 महीने का ड्यूरेशन होता है उसमें वो मेरे पॉइंट्स ऐड होते चले गए। तो फिर वो एंड में वो रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होता है एंड आंसर को दूसरों से अलग और बेहतर भी बनाता है। तो ये एक अलग मतलब मैं कहूँगा कि ये रहा मेंस के लिए। अच्छा चलिए, तो एक चीज मुझे आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ा करते थे। आप बताइए कि जब आपने पढ़ाई की तो कितने घंटे करीब आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, और कुछ आपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि जैसे सुबह से शाम तक जो है वो आप किस तरीके का शेड्यूल फॉलो करते थे। एक कॉमन शेड्यूल नहीं रहा मेरे ये 2 साल के प्रिपरेशन में। स्टार्ट में मैं काफ़ी मतलब ऐसा था कि आवर्स पुराने हैं तो 12 आवर्स भी मुझे कम लगते थे स्टार्ट में। अच्छा हाँ, बहुत एक महीने तक ऐसे ऐसे किया कि फिर हेल्थ डिटोरेट होने लगा फिर मेरा। तो फिर ये ध्यान आया कि नहीं मतलब जितना बॉडी अलाउ करता है उतना पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि टॉपिक वाइज फिर थोड़े ये बना लिया कि इसको अचीव करना है इस मंथ में एंड फिर वैसे पढ़ना स्टार्ट किया। बट प्री से 2 महीने पहले से काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। एंड मेंस में भी फिर ऐसा होता था कि 7 AM मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखा था तो 7 बजे के अराउंड मैं लाइब्रेरी पहुंचता था फिर रात के 10 बजे वापस आता था। खाना वगैरह भी वहीं खाता था क्योंकि अच्छा मुझे पता था कि चूंकि चूंकि यस सर क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना है क्योंकि मेरे मेरे प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थे। तो मैंने फिर मेंस प्री के जस्ट बाद से फिर एकदम स्ट्रिक्ट डेडलाइन किया। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेरा रूम पार्टनर जो था हम दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया एंड अच्छा उसका भी लिस्ट में नाम है 404 रैंक कुमार निशान। तो हम लोगों ने मिलके फिर कॉमन ऐसा कुछ टाइमलाइन बनाया कि हाँ इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है और फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए तैयारी की। हाँ, ये तो मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है अगर हम लोग एक ग्रुप में तैयारी करें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है हौसला कई बार डाउन होने लगता है, और अगर दोस्त अच्छे हों और सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं तो नेचुरली आपका एक मोटिवेशन बना रहता है। तो ये बहुत अच्छा आपने टिप बताई, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एक छोटा सा ग्रुप बनाए तो वो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। प्री के लिए भी मैंने ग्रुप बनाया था बहुत एंड अच्छा, प्री के बाद भी मैंने ग्रुप बनाया तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी मतलब कम टाइम में चीज़ें हो जाती है बट ग्रुप अच्छा होना चाहिए वो काफ़ी ज़रूरी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और हम देखते हैं जैसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे बहुत सारा फ्री मटेरियल लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। अब बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं वो साहब डाउनलोड करते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं। और तो आपको मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपने डाउनलोड कर लिया मटेरियल और बहुत ज्यादा मटेरियल आ गया और आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। साथ साथ में कई बार क्या होता है आपके पास मटेरियल की कमी होती है और आप कम मटेरियल की वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो किस तरीके से बैलेंस हमें जो है इसमें अचीव करना चाहिए कि हम मतलब जो है ऑप्टिमम रिजल्ट जो है पा पाए। जी सर, एक्चुअली मेरा अप्रोच तो था मतलब मिनिमलिस्ट अप्रोच था कि अच्छा कम अच्छा मतलब सोर्सेज लिमिट करने हैं क्योंकि पढ़ने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स एंड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो
एक स्ट्रैटेजी बनाया, फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं था, मैंने अपडेट भी किया उस स्ट्रैटेजी को, एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सोर्सेज पे रिलाई किया। बट मुझे जब ये लगता था कि इस ये टॉपिक, मैं टॉपिक देखता था जो यूपीएससी का सिलेबस है, एंड उसमें देखता था कि मेरे 5 पॉइंट्स हैं कि नहीं, या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन वाला चीज़ है कि नहीं, तो जिसमें कमी होता था उस चीज़ को मैं गूगल करता था या उसके बारे में खोजता था, एंड उसको फिर मैं पूरा करता था। ऐसा नहीं कि पूरा बुक्स पढ़ रहा, मैंने एक भी किताब ऐसे 100% नहीं पढ़ी। जो सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैं निकाला, एंड वो दिमाग में रखा कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो रिवीजन कैसे मैं कर पाऊंगा, तो वो बैक ऑफ माइंड में हमेशा से रहा। तो उस वजह से मैंने मतलब कम से कम एंड मैक्सिमम रिजल्ट के ध्यान दिया कि आंसर में कितना मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ, तो उस पर ध्यान ज्यादा था। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज जो है वो बराबर बराबर वेटेज नहीं देनी चाहिए, कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी पे फोकस ज्यादा होना चाहिए और क्वांटिटी हमें बैलेंस बिल्कुल करके रखनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा कई बार बहुत सारे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसके चक्कर में फिर क्या होता है, वो पूरा ही नहीं कर पाते सिलेबस। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी रही। और आप मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए आपने स्पेसिफिकली क्या तैयारी की? इंटरव्यू का तैयारी काफी डायनेमिक रहा मेरा, एंड डायनेमिक होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ही वैसे होते हैं। तो मैंने फोकस किया कि चूंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने फोकस किया कि पहले मैं बेसिक जो मेरा बैकग्राउंड है उस पर अच्छे से कमांड हो जाए। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इंटरव्यू के नोट्स जो हैं, नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए भी। ऐसे अच्छा, लोग काफ़ी नहीं समझते, नहीं कुछ लोग नहीं बनाते, बट मेरे ख्याल से नोट्स बनाना चाहिए। तो मैंने एवर नोट पे ऑनलाइन नोट्स बनाना स्टार्ट किया, एंड जो बैकग्राउंड है, जो भी मतलब जहाँ से बचपन से लेकर के कहीं पे मैं गया या जो भी कॉलेजेस स्कूल गए, जो भी प्लेसेस गए, उस पर बनाने स्टार्ट किए। तो इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था, मैंने मेंस रिजल्ट डिले हो गया था इस बार, तो मैंने स्टार्ट मतलब जनवरी स्टार्ट में कर दिया था, रिजल्ट आने से पहले ही, क्योंकि मैंने सीनियर से बात की थी अपने कॉलेज से जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, उन्होंने बताया कि 2.5 महीने 2 महीने मिनिमम लगेंगे तैयारी के। तो उस वजह से मैंने बैकग्राउंड पे पूरा रिसर्च किया, और दूसरा कि मैंने मॉक इंटरव्यूज काफ़ी जगह दिया, अच्छा अराउंड अच्छा 10 मॉक्स मैंने दिया है। तो अच्छा फिर वहाँ से जो फीडबैक मिला और जो मुझे सही लगा, और एक क्लोज ग्रुप था 3 लोगों का, और फॉर्चुनेटली तीनों लोग सेलेक्ट हो गए। तो अरे वाह, एक बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया एक बात है। थैंक यू सर, एक एक कॉमन एक ग्रुप बना, तो उसमें से एक पहले से सेलेक्टेड सीनियर थे, तो उनसे काफ़ी फीडबैक और हेल्प मिला। और फिर एक दूसरे का हम लोग इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चंस पूछते भी थे और गाइड भी करते थे कि कैसे बोलना है, क्योंकि मतलब इंटरव्यू में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे ख्याल से कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अपने थॉट को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में बोल पा रहे हैं। तो वो तैयारी की, वो ग्रुप बनाया, और 50% फोकस रहा कि अपने बैकग्राउंड पे करूँ, और 50% रहा कि जो करंट वाला इवेंट्स हैं, तो वो कॉमन एक एवर नोट पे फाइल बनाया, और मैं ऐड करता था, मेरा फ्रेंड ऐड करता था, ताकि वो ओके, तो टाइम बच पाए, और फिर एक दूसरे से। कोलाबोरेशन आपने किया इसका, मतलब कोलाबोरेशन से आपने तैयारी की। बहुत बढ़िया, बहुत यस सर, बढ़िया। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से काफी फायदा करेंगे, जो आपने जो टिप्स बताए, मैं समझता हूँ कि अगर उसको इस्तेमाल करेंगे लोग तो डेफिनेटली उसका उनको फायदा मिलेगा। कोलाबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सभी लोग, आप बता रहे हैं कि आपके जो ग्रुप में लोग थे सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो ये बहुत ही मतलब बताता है कोलाबोरेशन की पावर को। तो चलिए, ये बहुत अच्छी यस चीज है। एक चीज मुझे आप ये बताइए कि जो आपकी जो सफलता है उसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, कौन लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मेरे परिवार में सारे लोग, मेरा एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली है, पापा मम्मी चाचा चाची दीदी सारे लोग हैं, तो उनका काफ़ी एक कंसंट्रेटेड एफर्ट था कि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, घर का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वो मुझ तक नहीं आए। वो उन लोग का पहला ये था कि ये तैयारी अच्छे से कर पाए, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये फैमिली एज अ होल मैं श्रेय देना चाहूँगा, एंड दूसरा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके वजह से मुझे लगा कि मैं तैयारी कम टाइम में अच्छे से कर पाया। एंड तो आप कुछ फ्रेंड्स के नाम बताना चाहेंगे जिन लोगों ने मिल करके आपको, जिसका आपको लगता है कि उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, कुछ फ्रेंड्स जो हैं?
हाँ जैसे मैंने बताया कुमार निशांत विवेक है, उन्होंने 404th रैंक लाया, एंड मेरे एक सीनियर हैं कुमार सौम्य, उन्होंने 696 रैंक लाया। इसके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब आईआईटी बॉम्बे के कॉलेज के मेनली, तो उनके साथ भी तैयारी मतलब जारी रहती थी। आदित्य है, सूर्या है, निकिता है, तो इन लोगों के साथ हम मैंने मिलके तैयारी की। अच्छा, एक चीज ये देखा होगा आपने कि कई बार क्या होता है कि जो बहुत मेहनत से लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और जैसा कि आपने इस बार भी देखा होगा बहुत से लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बड़ा अफसोस होता है कि इतनी मेहनत की सफल नहीं हुए। तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे इसके माध्यम से, ताकि उनको उनकी लाइफ में कुछ उनको फायदा हो, तो इससे क्या करना चाहिए उनको, जो लोग नहीं सफल हुए उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, तो इतना टफ एग्ज़ाम हो जाता है ये, अनप्रेडिक्टेबल भी है, तो इसमें कि कोई कह नहीं सकता कि कितना रैंक आएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो तैयारी जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो जारी रखनी चाहिए, एंड अगर आप मेहनत और लगन से एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस कभी ना कभी आएगी। इसलिए मतलब हताश नहीं होना है, कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे लगता है, एंड ये वर्क किया मेरे लिए, तो सबको अपनी मेहनत से अपने कॉन्फिडेंस से तैयारी करते रहना चाहिए। एंड टॉपर्स में भी मैंने देखा कि कैसे लोग 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, तो इस वजह से मतलब सबको तैयारी जारी रखनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो हैं वो 2-3 साल तक प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाते, और उसके बाद सडनली वो टॉप रैंक पे आ जाते हैं। टॉपर्स में ऐसे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि कई बार प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में नहीं अच्छा कर पाते लेकिन उसके बाद में सेलेक्ट होते हैं। बहुत अपने अच्छा मैसेज दिया कि सभी को जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। तो आपको ऐसा लगता है क्या, किस तरीके से वो मतलब किस तरीके से वो तैयारी करें कि उनके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, आपको कुछ आप टिप देना चाहेंगे उनको? इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मैं तैयारी कर रहा था मतलब तैयारी के फेज में, ये मैं रियलाइज़ किया कि जो तैयारी वाला फेज़ है वो एक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है सिविल सर्विसेज के लिए। वो संघर्ष का जो फेज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, आप चीज़ों को जानते हैं। तो ये मेरे दिमाग में था कि सिलेक्शन होना है एक दिन, ये मैं मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, ये 2 साल मेरी ट्रेनिंग है, और अच्छा, इसके बाद जो आएगा वो होगा एक दिन, ऐसा होगा मतलब मेरे दिमाग में था कि फाइनल तो लिस्ट में तो आना ही है एक ना एक दिन, तो हाँ, ये चीज़ दिमाग में था। एंड सर आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं मतलब वही बिल्कुल कि आपने मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उनको सर कौन सी टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो आगे जो है बढ़ते रहें, हिम्मत ना हारें, क्या आप उनको बताना चाहेंगे? खुद की स्ट्रैटेजी बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग, स्टार्ट में ये समझ में नहीं आता, बट विथ टाइम वो समझ में आता है कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स एक स्ट्रैटेजी हो, एंड उस पर एकदम स्टिक करना है, एंड फिर जो जो भी इनपुट आए तो उस पर मतलब खुद के दिमाग लगा करके कि हाँ मेरे लिए ये हेल्पफुल होगा कि नहीं, उस पर फिर वर्क करना है। प्रिपरेशन चूंकि काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि हम पाथ से भटक तो नहीं गए, तो मतलब कुछ महीने बाद या एक हफ्ते बाद स्टॉक लेना जरूरी होता है कि आपने क्या नया चीज़ पढ़ा, क्या एडिशन किया आपने तैयारी में। तो वो मैं करता था कि मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने ये लिखा कि ये टॉपिक्स करने हैं, और नहीं हो पाता था तो मैं फिर से बनाता था, फिर से ट्राई करता था कि हाँ चलो इस बार करना है। तो वो जो एक जिद था, वो जिद जरूरी है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 1 महीना बीत जाए और आपको आइडिया भी ना लगे, तो कभी कभी ऐसा होता है एस्पिरेंट के साथ में, वो नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यूस प्रोसेस रखेंगे तो सक्सेस आपके जरूर आपको प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे जिंदगी में बहुत आगे अच्छा करेंगे, और
सफलता को प्राप्त करेंगे, अपने जॉब में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको एक बार से फिर बधाई देना चाहता हूँ आपके इस सिलेक्शन के लिए, आपकी पूरी फैमिली को, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने सपने हैं वो सारे के सारे पूरे हों और आगे चल के आप जिंदगी में बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।